काम हो रहा है यहाँ पे, तो क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, जय झूलेलाल, धन गुरु नानक। मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे यहाँ पर बुलाया गया है गुरु नानक देव जी के 554वें जन्मदिन को। ये हम लोग सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया अंधेरी कैप्टन से किया गया है, और मुझे फख्र है अपने सिंधी भाइयों और बहनों पर जिन्होंने इतना सहकार दिया है। और ये जो भी प्रोग्राम हो रहा है उसमें सिर्फ दो शक्तियाँ हैं जिनकी वजह, एक तो लाल खत्री जी हैं और दूसरा हरिचंद डिंगरे जी हैं। इन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में रात दिन मेहनत की है और खुद पर्सनली एक एक को व्हाट्सअप करके फोन किया है कि कृपया करके इस प्रोग्राम में हिस्सा लें और सफल बनाएं, और आगे भी ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे और हम सफल होते जाएंगे। जय झूलेलाल, जय झूलेलाल। आज बहुत ही शुभ दिन है, गुरपुरब का दिन है, गुरु नानक जी की जयंती है, और इस अवसर पर सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो ये कार्यक्रम रखा है ये बहुत ही अच्छे लेवल पर, अच्छे स्केल पर किया है। प्रभात फेरी से शुरुआत हुई है, आज यहाँ पर समापन होगा और ये सिलसिला जारी रहे, इसी तरीके से ये चीज़ें चलती रहें। हमारा यही दुआ है, विश्वास है कि सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया और लोखंडवाला सिंधी पंचायत इस सबको आगे बढ़ाती रहेगी। बस हम यही कहेंगे कि भाई हमें शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु नानक जी का ये संदेश कि सब एक हैं, एक ओंकार हमेशा कायम रहे। थैंक यू, थैंक यू डियर। गुरु पूरब की सबको करोड़ करोड़ अरबों अरबों बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत ही खूबसूरत सा दिन है आज, और हम हमेशा मानते हैं कि हम सब स्पिरिचुअल सोल्स हैं गोइंग टू दिस ह्यूमन एक्सपीरियंस। सो आज का जो हमारा सेलिब्रेशन है, जो हमारा 554th बर्थडे सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं हमारे ग्रंथ साहिब गुरु नानक साहिब जी का, तो आज बहुत ही खूबसूरत सा दिन है। और कहते हैं ना वाहिगुरु, कि जो भी हैं हम इस ज़िंदगी में हासिल करते हैं गुरु के द्वारा करते हैं, तो गुरु की जो अहमियत है हम सबको बहुत बहुत अच्छी तरह से याद दिलाती है एक बार फिर से कि हम सबको अपना मनुष्य जन्म सफल करना है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं सभी से मिल रही हूँ आज के इस खूबसूरत से दिन में। हैप्पी गुरु पूरब आप सबको जहाँ पर भी हैं। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत ही विशेष दिन है, गुरु नानक देव साहब जी का जन्मदिन है, तो आज इस विशेष दिवस पे हम सबको यही प्रेरणा लेनी है कि हम हमेशा जिनकी इतनी महिमा गाते हैं, इतना गुणगान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमें भी अब ऐसा बनना चाहिए। जिनकी हम इतनी महिमा करते हैं उन्हें देख देख उनसे प्रेरणा ले, हमें भी महिमा योग्य बनना चाहिए, तब गुरु नानक जयंती के साथ हमारी भी जयंती होगी। हर रोज़ पुराने से मरकर नया बनना है, नया जीना है, यही हम सबकी शुभकामना है, शुभावना है इस विशेष दिवस पर कि हम भी गुरु नानक जी जैसा ही बने, उनके जैसे महान गुणवान जो हमेशा परमात्मा की याद में मगन रहते थे, तो उन्हें देख हम भी परमात्मा की याद में, उस एक ओंकार सतनाम की याद में हम भी हमेशा रहे और उनके जैसा बन सके, यही हम सबकी दुआएँ हैं, शुभकामनाएँ हैं। ओम शांति। जन्मदिन के अवसर पर मुझे बुलाया गया है, और इससे अच्छी बात, इससे खुशनसीबी वाली बात हो ही नहीं सकती। और ये एक ऐसे गुरु है जिन्होंने कितने सारे लोगों को सही रास्ता दिखाया है। सो आई एम रियली ब्लेस्ड चाइल्ड टू वेलकम गाइस। हैप्पी गुरु नानक जयंती, सत श्री अकाल सारी अनु। और सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है लोखंडवाला गार्डन में, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। काफ़ी उत्साह है लोगों में, काफ़ी जोश है, आप देख सकते हैं कि म्यूज़िक की आवाज़ कितनी तेज़ आ रही है और लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है और मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ आके। और ख़ासकर मैं जिस समाज से हूँ, सिंधी समाज से हूँ, तो सिंधी प्रोग्राम ये सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया ने किया, तो मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है।
मेरी अभी सिंधी फिल्म आई थी सिमरन, जिसका मैं हीरो था, वो बहुत सुपर हिट गई, जिसमें 10-15 देशों में लगी, अलग अलग देशों में। और उसके अलावा मेरी अभी एक वेब सीरीज आ रही है, 2-3 फिल्में आ रही हैं और एक म्यूजिक वीडियो भी आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह आप मुझे अपना प्यार स्नेह आशीर्वाद देते आए थे, उसी तरह मुझे अपना प्यार स्नेह आशीर्वाद देते रहेंगे आगे भी और मेरे प्रोजेक्ट्स को सुपर हिट बनाएंगे। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप लोग? देखिए, ऐसे जो आयोजन है वो हमारे सिंधी समाज को एक दूसरे से जोड़ते हैं और एक भाईचारा और बढ़ता है आपस में। और गुरु जी का भी यही संदेश था कि हमको सब समाज में मिलजुल के चलना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ ही मेरा ये अपील है, मैं आनंद मनवानी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर और हमारी फिल्म की हीरोइन सिमरन आहूजा, हमारे मित्र लाल खत्री जी के समक्ष मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम भारत में, हिंद में सिंध का निर्माण चाहते हैं और हम मोदी जी से अनुरोध करते हैं कि भाई भारत में भी सिंध होना चाहिए, जैसे एक सिंध पाकिस्तान में, एक सिंध भारत में भी होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि वो जो सिंध बनेगा उससे हमारे देश की GDP बढ़ेगी, क्योंकि पूरी दुनिया के सिंधी वहाँ आकर इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा ये है कि हमारी संस्कृति, भाषा और संस्कार जो है, साहित्य है, वो भी बढ़ेगा। तो यही हमारी सबसे अनुरोध है कि हमारे इस आंदोलन से जुड़े और हमको सपोर्ट करें ताकि एक हम सुंदर भारत में सुंदर राज्य, सिंधु राज्य बना सके। जय झूलेलाल। सिमरन जी, आपके सिंधी पहले फिल्म बहुत हिट हुई है, बहुत लोगों ने प्यार दिया है, कितनी खुशी मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बेशुमार मोहब्बत मिल रही है और मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ आनंद मनवानी सर जी की कि उन्होंने फिल्म का नाम भी सिमरन रखा, तो वो मेरे लिए बहुत बहुत खुश नसीब की बात है। और लाल खत्री जी, आपने यहाँ पर हमें बुलाया और इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत मिली है फॉर द फिल्म सिमरन, तो मैं दिल से सबकी शुक्रगुजार हूँ। और यही कहना चाहूँगी कि आनंद मनवानी जी अब सिमरन 2 बना रहे हैं और हमारी शूटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, तो मैं बेहद एक्साइटेड हूँ कि इतना प्यार और मोहब्बत मुझे हमारे पूरे परिवार से मिला है। सो इट इज़ वेरी वेरी स्पेशल। और कुछ इसके अलावा भी आने वाला है आपका? जी, इस साल 4 फिल्म रिलीज हुए हैं और 5वीं फिल्म रिलीज 15 दिसंबर को हो रही है, फायर ऑफ लव विद कृष्णा अभिषेक जी के साथ। बट जो मुझे किक स्टार्ट मिला है वो सिर्फ और सिर्फ आनंद मनवानी जी की वजह से मिला है। मैं तहे दिल से सर आपकी शुक्रगुजार हूँ। और न सिर्फ भारत में ये फिल्म रिलीज हुई है, 9 कंट्रीज में ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है और अब रिलीज हो रही है। तो मुझे बहुत सारे, क्योंकि अब मैं ग्वाटेमाला साउथ अमेरिका से आई हूँ, तो वहाँ पर भी लोग देखना चाह रहे थे, कह रहे थे हमें इंग्लिश ट्रांसलेशन करके दीजिए आप, और हम देखना चाहते हैं। तो सर ने कहा OTT पे सिर्फ नेक्स्ट ईयर जाएगी, क्योंकि अब तक फिल्म सब जगह चल रही है। तो मैं तहे दिल से सभी की शुक्रगुजार हूँ कि आप सबने इतना प्यार हमें दिया है फिल्म सिमरन के लिए। थैंक यू आनंद सर। लाल भाई, लाल खत्री सर हैं हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? मैं लाल खत्री लोकमाला सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया का जनरल सेक्रेटरी हूँ पिछले 15 बरस से, और लोकमाला सिंधी पंचायत का भी प्रेसिडेंट रहा हूँ काफ़ी टाइम। तो मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ, आई एम थैंकफुल टू मीडिया कि हमारे शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आए हैं और मौका दिया है हमको अपना मैसेज फैलाने के लिए। मैं इतना कहना चाहूँगा, आज का दिन जो है बड़ा पवित्र दिन है और ये प्रोग्राम जो रखा है न सिर्फ लोगों का तो पूरे सिंधी समाज को आगे लाने के लिए। मुझे खुशी की बात है कि मैं सिमरन आहूजा जी के साथ बैठा हूँ, रेस्पेक्टेड आनंद मनवानी के साथ बैठा हूँ, और आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। जय झूलेलाल, थैंक यू वेरी मच। सर, आपसे जानना चाहेंगे सिमरन 2 काफ़ी सिंधी में देखा, मुझे समाज आज लोगों ने सपोर्ट किया, आने वाले कब आएगी? ये कोई निकालेगा सिमरन 2 जो है?
है वो अगले साल मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो चेटी चांद जो बड़ा उत्सव होता है उसके अवसर पर हम रिलीज करने की सोच रहे हैं, क्योंकि वो एक बड़ा हमारा समारोह पूरे भारत का पूरी दुनिया में होता है। चेटी चंद जो हमारे इष्ट देवता का जन्मदिवस है उस पर जो बहुत कार्यक्रम होते हैं, तो उसके साथ ही हम ये सिमरन 2 भी रिलीज करने की सोच रहे हैं। और इसके साथ ही हम इसमें फिल्म के माध्यम से समाज को, दुनिया को, सबको कुछ संदेश देना चाहते हैं जो उसमें हमें अभी रिवील नहीं करना चाहता, जो काफ़ी लोगों को इसके प्रेरणा मिलेगी। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। थैंक यू लाल सर। नमन है, नतमस्तक हूँ गुरु नानक जी को। और सिंधी एसोसिएशन की तरफ से ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसमें मुझे आने का मौका मिला इतने पावन पर्व पे, ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में इन सब का आशीर्वाद कृपा बनी रहे, बाबा जी की कृपा बनी रहे। और जो हमारी फिल्म आई है गाली गलोच SRK म्यूज़िक पर, वो पसंद आया लोगों को, क्योंकि इस फिल्म में पूरी फैमिली फिल्म है, साफ सुथरी फिल्म है, पब्लिक को बहुत पसंद आएगी, ज़रूर देखिएगा। और मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ आज ऐसे मौके पर आकर। सिंधी में जान दी। आज का जो प्रोग्राम है गुरुना, हम लोग यहाँ पर 40 वर्षों से कर रहे हैं, और आज का जो इतनी खुशी का माहौल मैं देख रहा हूँ कि कम से कम 3,500 पब्लिक आई है, मैं इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। और गुरु नानक की महिमा तो हर एक जानता है, हर एक को मालूम है गुरु नानक की महिमा क्या है। और इस पवित्र दिन के ऊपर मैं आप सभी के लोगों को बेशुमार बधाइयाँ देता हूँ, और आप सब आए मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद। कौन कौन लोग शामिल हुए थे कुछ बताना चाहेंगे यहाँ पर? तो अभी हमारे एक तो सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के काफ़ी मुख्य लोग आए थे, और सिंधी अलॉन्ग विद सिंधी जो हमारे लोकनाथ सिंधी जो है प्रोमिनेंट सिंधी है काफ़ी, जैसे कि भारती चावड़िया जी है और मनोज बदलानी जी है, KCM काफ़ी लोग हैं। मैं किसकी ये करूँ, कितनी भी तारीफ करूँ मेरे लिए कम है, और इन बगैर मैं शायद कुछ भी नहीं कर पाता, ये तो पक्का है। और इनके लिए क्या कहना चाहेंगे, लगातार इस तरह कार्य कर रही है वो। इसके लिए तो मैं खाली इतना ही कहूँगा, ये मेरी छोटी बहन है, शायद अगर ये नहीं होती शायद ये प्रोग्राम मुमकिन नहीं होता, ये मैं कहता हूँ। मैं इसका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। भारती जी क्या कहेंगे इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिलना? सबसे पहले तो मैं सारे हिंदी समाज को, पंजाबी समाज को, सिंधी समाज को और समस्त भारत देश को मैं कहना चाहूँगी कि आज श्री गुरु नानक साहब जी की आज जन्मदिन है यहाँ पर, जो हमने लोखंडवाला की सिंधी और सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के बैनर पे आज ये प्रोग्राम हुआ है, और इतना सुंदर प्रोग्राम हुआ है। कहते हैं कि अच्छे कार्य में स्वयं भगवान और स्वयं गुरु आकर बैठते हैं, आज एक मिसाल है। बरसात आनी थी, रुक गई, क्योंकि गुरु बाबा चाहते थे कि उनका जन्मदिन आज एक सक्सेसफुल हो। आज के प्रोग्राम में हमारे यहाँ की MLA भारती लवेकर जी और कॉरपोरेटर दाभोलकर जी, रंजना ताई जी, कॉरपोरेटर रोहन राठौर जी, और फिल्म जगत से बहुत सेलिब्रिटी सिमरन आहूजा जी, संगीता कपूरी जी, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज, यहाँ तक कि कॉमेडियन सुनील पॉल जी ने यहाँ पर आके बहुत ही कमाल नचाया, और सिंधी समाज के हमारे फेमस सिंगर सरल रोशन जी ने अपनी टीम के साथ आज बहुत ही गुरु के शब्द गाकर बहुत ही रौनक जमाई है। हम धन्यवाद करते हैं सारी हमारी जो टीम है जिन्होंने मेहनत की है, हमारे डोनर्स का, हमारे स्पॉन्सर्स का, और जिन जिन्होंने तन मन धन जो भी दिया है उसके लिए हम हरिचंद डिग्रेजा जी, मैं भारती छाबरिया और समस्त हमारी टीम की तरफ से वाहेगुरु बोलकर धन्यवाद करती हूँ। जय झूलेलाल। जी मैं ये कहना चाहूँगी कि अब समय आ चुका है समस्त समाज को एकजुट होना है। हमारे यहाँ पर लोखंडवाला में, अंधेरी में 4 से 5 अलग अलग पंचायतें, सबका आपस में बहुत प्यार है। हम ये चाहते हैं, खास करके
मेरे साथ जो बैठे उनका आज गला खराब है, मैं इंट्रोडक्शन दूंगी। इनका नाम है श्री हरिचंद डिंगरेजा जी, जो कि ये जाने जाते हैं। इनके यहाँ पर लोखंडवाला में शॉप हुआ करती थी मिठाई की, होलाराम मिठाई करके, जिसे हर सिंधी जानता है। आज इन्होंने अपने रिटायरमेंट के समय में अपने आप को समर्पण किया है अपनी कम्युनिटी, अपनी सिंधी समाज के लिए। इन्होंने बहुत काम किया है। आज इनका, मेरा और हर यहाँ पर अंधेरी में रहने वालों का सपना है कि समस्त सिंधी समाज के हमारे भाई बहन एक हो, एकजुट होकर एक प्रोग्राम करें और लोखंडवाला सिंधी पंचायत को के बैनर पे अगले साल ये प्रोग्राम बैनर पे करेंगे, ये इन्होंने भी वादा किया है और हमें आप सभी सिंधियों से भी ये वादा चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आज गुरु नानक जयंती है, मैं सिंधी समाज, पंजाबी समाज, हिंदू समाज सबको बधाइयाँ दूंगी और मैं थैंक्स कहना चाहूँगी भारती छाबड़िया जी को, जो उन्होंने मुझे यहाँ पे बुला के हॉनर्ड किया और इतना बड़ा प्रोग्राम करना इन्होंने जो किया है, तहे दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये नारी नहीं बोलते ना, एक नारी सब पे भारी, ये वो है। मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगी कि आजकल के जो बच्चे हैं शादी करने से पता नहीं क्यों घबरा रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं। मैं उन्हें कहूँगी ये भय निकाल दो, आपको जो अपने मनपसंद का साथी चाहिए, बैठ के सोच के अपने आगे का भविष्य ठंडे दिमाग से सोचिए और शादी करिए, ऑनलाइन के गलत चक्रों में मत जाइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच प्रेस, क्या बात है, एक अच्छा फोटो ले लो मेरा।